ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। एक तरफ पुल जो है उसको गिरने का सिलसिला लगातार हमें देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बीते 3 साल में लगभग 9 से ज़्यादा पुल गिरे हैं बिहार में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आखिर में आपको बताना चाहूँगा, 18 नवंबर 2022 को नालंदा में गिरा था पुल, उसके बाद 16 जनवरी 2023 को दरभंगा में गिरा था पुल, उसके बाद 19 फरवरी 2023 को पटना में गिरा था पुल, उसके बाद 19 मार्च 2023 को सारण में गिरा था पुल, उसके बाद 4 जून 2023 में भागलपुर में गिरा था पुल, उसके बाद 22 मार्च 2024 को सुपौल में गिरा था पुल, उसके बाद 18 जून 2024 में अररिया में गिरा था पुल, मतलब अभी से 5 दिन पहले। और अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में सिवान में गंडक नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया। एक तरफ लगातार बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा जाता है कि उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में बिहार की जो सड़कें हैं वो काफ़ी पहले से अच्छी बनी हैं, उन्होंने काफ़ी पुल निर्माण किए हैं, ओवर ब्रिज निर्माण किए हैं, लेकिन एक तरफ लगातार जो पुल गिरने का जो सिलसिला है वो भी हमारे सामने बना हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ लगातार पुल गिर रहा है, एक तरफ बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार में जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, वो कितनी ज़्यादा बनी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी जो घटना है जो लगातार पुल गिरने का सिलसिला बना हुआ है। अब मैं बता दूं आपको कि ग्रामीण कार्य के मंत्री अशोक चौधरी ने आज एक ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री सेतु योजना को फिर से चालू करने पे वो लोग विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है ऐसा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बार फंडामेंटल डेवलपमेंट के तौर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनेंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इतनी ज़्यादा सड़कें बनना, एक तरफ सड़क बन रही है वहीं दूसरी तरफ जो पुल है वो गिर रहा है। आखिरकार पुल गिरने के पीछे कारण क्या है? कभी कहा जाता है कि उसमें लगातार जो पुल निर्माण हो रहा था उसमें जो मटेरियल्स यूज हो रही थी वो उसकी जांच सही से नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं ऐसा आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के ज़रिए आप बताएं कि जब अगर नया पुल या फिर सड़क जो निर्माण होता है तो उसके लिए जो भी जो टेस्टिंग होती है, आखिरकार टेस्ट जो होता है वो टेस्ट पार कैसे हो जाता है? जब अगर कहीं भी कुछ त्रुटियाँ रहती हैं तो उस पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? आप इन सब बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें, और तब तक के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।